तमिल की हॉरर ब्लॉकबस्टर फिल्म अरमनई 4 का बॉक्स ऑफिस पर कमाई ताबड़तोड़ पहले दिन और दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन की भी कमाई रही एकदम जबरदस्त। वहीं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तेलुगु की दो फिल्में आहा उकाड़ी अड़ाकू एंड प्रसन्ना वर्णम का भी जलवा बरकरार। साथ ही विशाल की फिल्म रत्नम ने कमा डाले हैं अभी तक इतने करोड़ रुपए। नमस्कार दोस्तों, तमिल लैंग्वेज की साल 2024 की हॉरर थ्रिलर फिल्म अरमनई 4 फाइनली सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और फिल्म के रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में 3 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म के कलेक्शंस की तो तमन्ना भाटिया, राशि खन्ना, सुंदर सिंह स्टार फिल्म अरमनई 4 के कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म ने जहां अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 6 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शानदार शुरुआत की थी, तो वहीं फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर शानदार ग्रोथ दिखाते हुए वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 7.50 करोड़ की कमाई कर डाली। तो वहीं फिल्म के आज संडे होने के चलते कलेक्शंस में ताबड़तोड़ आंकड़े निकल कर आए हैं और फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 9 करोड़ की कमाई डाली है। इसी के साथ फिल्म अरमनई 4 का डे 3 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 22.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का तमिलनाडु स्टेट से 17.25 करोड़ की टोटल अभी तक कमाई कर चुकी है। फिल्म अरमनई 4 के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 40 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है इंक्लूडिंग प्रमोशन कोष को मिलाकर। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म अरमनई 4 तमिलनाडु की साल 2024 की 4th हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली फिल्म भी बनी है। फिल्म में जबरदस्त हॉरर कॉमेडी का तड़का देखने को मिला। फिल्म अरमनई 4 में तमन्ना भाटिया एंड राशि खन्ना बहुत ही अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया तो आप एक बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं, नजदीकी थिएटर्स में फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं तेलुगु लैंग्वेज की साल 2024 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आ उगाड़ी अड़ाकू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म आ उगाड़ी अड़ाकू के कलेक्शन की तो फिल्म फिलहाल सिनेमाघरों में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करने में कामयाब है। फिल्म ने जहां अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 1.62 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शुरुआत की थी, तो वहीं फिल्म के आज सिनेमाघरों में 3 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म के डे 3 तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 2.1 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इस साथ फिल्म आ उकाटी अड़ाकू का डे 3 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 5.44 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉक्स ऑफिस से 4.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म आ उकाटी अड़ाकू को ओवरऑल 10 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है इंक्लूडिंग प्रमोशन कोष को मिलाकर। फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में अलारी नरेश एंड फारिया अब्दुल्ला की जोड़ी नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं तेलुगु लैंग्वेज की साल 2024 की रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म प्रसन्ना वर्णम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे सुहास पायल, राधा कृष्णा, राशि सिंह एंड विवाह हर्षा स्टार फिल्म प्रसन्ना वर्णम के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने जहां अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड से 80 लाख की कमाई कर शुरुआत की थी, तो वहीं फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर 90 लाख की कमाई की। बात करें फिल्म के डे 3 कलेक्शन की तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के अंदर 1 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म प्रसन्ना वर्णम का डे 3 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 2.70 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को महज 8 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है इंक्लूडिंग प्रमोशन कोष को मिलाकर। फिल्म की बात की जाए तो फिल्म को ऑडियंस के द्वारा पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है। फिल्म आने वाले दिनों में जबरदस्त कलेक्शंस कर सकती है। फिल्म प्रसन्ना वर्णम को दोस्तों अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों बात करते हैं तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फिल्म रत्नम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म रत्नम के कलेक्शंस की तो फिल्म रत्नम के सिनेमाघरों में आज 10 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं और फिल्म का 10 डेज तक कलेक्शन ठीक ठाक निकल कर आया है। बात करेंगे विशाल एंड प्रिया भवानी शंकर स्टार फिल्म रत्नम के कलेक्शन की तो फिल्म का टोटल डे 10 तक आते आते वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 24 करोड़ की कमाई हो चुकी है। यहाँ फिल्म का अपने स्टेट तमिलनाडु से फिल्म ने 40 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म रत्नम को 40 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है इंक्लूडिंग प्रमोशन कोष को मिलाकर। फिल्म रत्नम में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेंगे। फिल्म को अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हॉलीवुड की नई रिलीज फिल्म द फॉल गाय के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे रियान गोसलिंग एंड एमिली ब्रंट स्टार फिल्म द फॉल गाय के कलेक्शन की तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 3 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म के डे 3 तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो फिल्म का डे थ्री तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से $45 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है, जहां फिल्म का भारत के बॉक्स ऑफिस से 2.4 करोड़ की कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म दी फॉल गाई को ओवरऑल $130 मिलियन के बजट में तैयार किया गया है। इंडियन करेंसी में फिल्म को 1,084 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म दी फॉल गाई में रियान गोसलिंग एंड एमिली ब्रंट नजर आ रही है, जिनकी प्रीवियस सभी फिल्में सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। ऐसे में फिल्म दी फॉल गाई सिनेमाघर में कैसा प्रदर्शन करती है ये आने वाले
दिनों में पता चलेगा। फिलहाल फिल्म दी फॉल गाय को अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों ये था लेगा जो का हाल। फिल्म के कलेक्शन का ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करेगा और लाइक करे सब्सक्राइब जरूर करेगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।